dream with me. Let your mind explore. Hi guys, welcome to my channel. So आज मैं आप लोगों के साथ में शेयर करने वाली हूँ व्लॉग, जिसमें मैं काफ़ी सारी चीज़ें इंक्लूड करने वाली हूँ. सो एक टाइप का यू नो मिक्स व्लॉग होने वाला है ये, जिसमें गणपति जो हम लोगों ने बिठाए हैं वो, उसके बाद तीज की पूजा, वो सब चीज़ मैं इंक्लूड करने वाली हूँ. सो यस, स्टार्ट करते हैं. सो मॉर्निंग के बेसिक जो काम होते हैं वो सब ख़त्म कर दिए हैं और अब जा रही हूँ मैं शार लेने के लिए. तो कपड़े निकाल लिए हैं शार लेने के लिए. सो शार लेके आने के बाद मैं थोड़ा बहुत अपनी जो आईब्रोज हैं उसकी शेविंग करूँगी. वैसे बहुत रिक्वायरमेंट तो नहीं है, बट जो लोग शेव करते होंगे ना, ये इस तरीके के जो फेस शेवर है उससे, उनको पता होगा कि विद इन 2 to 3 days में आपके थोड़े थोड़े आने लगते हैं, छोटी छोटी हेयर ग्रोथ होने लगती है. मेरी तो होने लगती है, बिकॉज आई हैव वेरी बुशी एंड फास्ट हेयर ग्रोथ है मेरी उसकी. सो आज मुझे कहीं जाना था तो मैंने सोचा मैं थोड़ा सा क्लेंस कर लेती हूँ. And because of the stressful environment and everything, I am getting a lot of acne. Obviously, due to hormonal, I'm sure imbalance थोड़ा बहुत हुआ होगा. तो जिसकी वजह से, क्योंकि मेरी oily skin है तो मुझे open pores का problem होता है, excessive oil secretion हो रहा है मेरे face पे, post acne skin जो हो रही है, थोड़ा सा lifestyle change भी हुआ इसकी वजह से, मेरे को थोड़े बहुत acne हो रहे हैं. तो मैंने अपना जो skin care routine है वो भी थोड़ा बहुत change किया है. तो forehead जब मेरा अच्छे से shape हो जाएगा, अब मैं अपने skin को wash करूँगी. तो फेस को वॉश करने के लिए मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ मामर्थ का न्यूली लॉन्च ग्रीन टी फेस वॉश. तो मामर्थ ने अपनी नई रेंज लॉन्च करी है जिसका नाम है ग्रीन टी रेंज, जो कि इन्फ्यूज्ड विद द गुडनेस ऑफ कोलेजन. दिस रेंज अलॉन्ग विद रिड्यूसिंग ओपन पोर्स गिव यू अ यूथफुल ग्लो, लीविंग यू विद हेल्दी स्मूथ एंड हैप्पी स्किन. आई रियली लव द पैकेजिंग ऑफ दिस रेंज. काफ़ी प्यारा सा ग्रीन कलर है जिसको देखते से आंखों को बहुत अच्छा लगता है. तो यहाँ पर आपको इसको इस तरीके से ओपन करना होता है एंड प्रोडक्ट आपका जो है नीचे से हल्का सा प्रेस करेंगे तो ऊपर जो ब्रश दिया हुआ है सिलिकन ब्रश उसमें आ जाएगा एंड देन यू हैव टू अप्लाई ऑन योर फेस. एज यू कैन सी ऑन माई फेस आई हैव लॉट ऑफ ओपन पोर्स, एंड ओपन पोर्स किसी भी रीजन से हो सकते हैं. मेरा जो फिलहाल ओपन पोर्स का, मुझे ऐसा लगता है कि दिस इज बिकॉज ऑफ हार्मोनल इम्बेलेंस एंड साथ ही साथ जो मैं स्ट्रेस ले रही हूँ या ली थी अभी थोड़े दिन पहले की वजह से हुआ है. सो दीज डेज ओपन पोर्स का जो प्रॉब्लम है वो बहुत ज़्यादा कॉमन है. आई एम श्योर काफ़ी सारे लोगों को होगा. तो यहाँ पर मैं अच्छे से फेस वॉश लगाऊंगी. फेस वॉश के जो की इंग्रेडिएंट्स हैं वो है ग्रीन टी, कोलेजन, नियासिनमाइड और सैलिसिलिक एसिड. ग्रीन टी रिमूव्स इंप्योरिटीज एंड फाइट्स फ्री रेडिकल डैमेज. कोलेजन जो है हाइड्रेशन बूस्ट करता है, स्किन की इलास्टिसिटी को अच्छा करता है. नियासिनमाइड जो है रिड्यूसेस डार्क स्पॉट्स एंड एक्ने मार्क्स. सैलिसिलिक एसिड एक्सफोलिएट करता है आपकी स्किन को. सो बेसिकली आपकी स्किन को टाइटन करेंगे जो पोर्स हैं, डीपली क्लेंस करेगा. माइल्ड एंड जेंटल फॉर्मूला है एंड दिस इज मेड सेफ सर्टिफाइड. इसके बाद हम लगाएंगे मामर्थ का ग्रीन टी डे क्रीम एंड इसके जो की इंग्रेडिएंट्स अगेन इसका ग्रीन टी एंड कोलेजन है. सो पूरा जो ये जो रेंज है ना, ये बेसिकली आपकी स्किन के जो पोर्स हैं उनको मिनिमाइज़ करेगा एंड साथ ही साथ आपकी स्किन को स्मूथ एंड हाइड्रेटेड बनाएगा और यूथफुल ग्लो देगा. सो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इन प्रोडक्ट्स की लिंक्स मैं दे दूंगी, आप चेक जरूर करिएगा. स्क्रीन पे दिया हुआ कूपन कोड अगर आप यूज़ करेंगे यू विल गेट एक्स्ट्रा 20% डिस्काउंट मामर्थ की वेबसाइट एंड साथ ही साथ ऐप पर. मामर्थ ने अपना ऐप भी लॉन्च किया हुआ है. iOS एंड एंड्रॉइड यूजर्स के लिए जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेगा. ऐप यूजर्स गेट अर्ली एक्सेस टू सेल्स एंड हैंस गेट एक्स्ट्रा डिस्काउंट एज वेल. आप जब भी मामर्थ का कोई भी प्रोडक्ट मामर्थ की वेबसाइट से परचेस करेंगे, मामर्थ विल लिंक योर ऑर्डर ऑन अ वेबसाइट टू अचीव दैट दे प्लांट. इसके पीछे का पर्पस ये है कि आपको एक अच्छा प्रोडक्ट मिल रहा है, आप साथ ही साथ अर्थ को भी कॉन्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं. एंड लुक एट माई स्किन, इट लुक्स वेरी ग्लोई, प्लम्प काफ़ी लग रही है एंड जो पोर्स का अपीयरेंस है वो भी मुझे काफ़ी हद तक कम लग रहा है. जो डे क्रीम मैंने लगाई है काफ़ी ज़्यादा लाइट वेट है, नॉन स्टिकी है एंड आप मेरे फेस पे ग्लो देख सकते हैं. बहुत ही अच्छा लग रहा है, काफ़ी नेचुरल ग्लो आया हुआ है. तो स्किन केयर करने के बाद सीधा पहुंच गई मैं अपना मॉर्निंग ब्रेकफास्ट करने. तो ये मेरी मदर इन लॉ ने बना करके दिए थे. उसके बाद आज मेरी मम्मी स्पेशल लड्डू बना रही है पापा के लिए. तो ये बेसिकली ड्राई फ्रूट्स लड्डू हैं, इसके अंदर ना तो कोई घी और ऑयल है, ना ही कोई शुगर मिला हुआ है. स्वीटनेस के लिए डेट्स ऐड करे हुए हैं, ना ही कोई जैगरी मिलाया हुआ है. और इसको बाइंड करने के लिए उन्होंने जो डेट्स हैं उसको थोड़ा सा गर्म कर लिया था पानी में, तो ताकि यू नो जो बाइंड है लड्डू की वो अच्छे से हो जाए. रेडी हो चुके हैं, बहुत ही अच्छे लगते हैं, टेस्ट में काफ़ी अच्छा टेस्ट आता है और काफ़ी हेल्दी भी है. तो कल वेजिटेबल मार्केट लगा था, वहाँ से मैं कुछ वेजिटेबल्स भी लेकर के आई हूँ. तो जो पापा की बाहर की ड्यूटीज़ होती हैं अभी वो मैं मैनेज कर रही हूँ. तो हम लोगों ने जो किचन में, आपको याद होगा यहाँ पर जब हम थे तो हमने मेकओवर किया था और ये वॉलपेपर लगाया था. तो भी फुल फ्लेजेडली हमारे यहाँ कुकिंग हो रही है, 3 बार कुकिंग होती है और अच्छी लॉन्ग कुकिंग होती है. ये वॉलपेपर एकदम इंटैक्ट है. तो अगर आप सोच रहे हैं अपनी टाइल्स को मेकओवर करने के लिए, यू कैन डेफिनेटली गो फॉर दिस वन. ये बहुत ही अच्छा वॉलपेपर है. मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दूँगी, बिकॉज अब ये ट्राइड एंड टेस्टेड है. पानी वानी भी हम लगाते हैं, कुछ भी इसमें दिक्कत नहीं आई है. और ये मैंने पापा के लिए एक ट्रैकर
बना करके रखा है ताकि उनको देखने से मोटिवेट लगे. मतलब मैं विजन बोर्ड को बहुत ज़्यादा बिलीव करती हूँ, तो मैंने उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर उनके लिए एक ट्रैकर बना दिया है ताकि अच्छा लगता रहे, देखते रहे, वो लेटे रहे वहाँ पर. वहीं पर उनका बेड लगा हुआ है नीचे. उसके बाद कुछ मैंने पार्सल मतलब मंगवाया था. ये मैंने सूट मंगवाया हुआ है, फेस्टिव सीज़न आ रहा है, मैं यहाँ पर ज़्यादा चीज़ें लेकर के आई नहीं हूँ, तो मैंने सोचा था कि ये चीज़ यहीं छोड़ करके चली जाऊँगी तो किसी फेस्टिवल में पहन लूँगी. उसके बाद आज मैं पहन करके जा रही हूँ ये वाला टॉप अपनी फ्रेंड्स लोगों से मिलने के लिए. ये मैंने अमेजन से MHS हॉल में आई थिंक मैंने शेयर किया था. ये 350 रुपये का कॉटन का टॉप है, बहुत ही प्यारा लगता है, क्रॉप टॉप है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं रेडी होना. तो यहाँ पर आज मैं अपने बालों को हल्का सा कर्ल करूँगी. उसके लिए मैं हीट प्रोटेक्टेंट स्प्रे लगा रही हूँ, ये है बाय बी ब्लंट. जहाँ जहाँ पर भी हीट यूज़ करने वाली हूँ ना, मैं यूजुअली नीचे नीचे कर्ल करती हूँ, तो मैं इसलिए नीचे बैंकर लेवल पे अपना जो हीट स्प्रे है वो लगा रही हूँ, हीट प्रोटेक्शन जो स्प्रे है. उसके बाद आपको अच्छे से डिटैंगल कर लेना है अपने बालों को. तो यहाँ पर मैंने अपने बालों को डिटैंगल कर लिया है और मेरे बाल ना थोड़े बढ़ गए. तो मुझे आजकल बड़े बालों में भी थोड़ा इरिटेशन होने लगा है, पता नहीं क्यों, जबकि मैं बहुत लंबे लिटरली बाल रखती थी. या तो हैबिट छूट गई है या जो भी है. तो मुझे बस ऐसा लग रहा है कि मैं कब जा करके अपने बालों की लेंथ वापस से कम करवा लूँ. मुझे घबराहट होने लगी है इतने लंबे बालों में भी, जबकि इतने ज़्यादा लंबे नहीं है, बट स्टिल. सो यहाँ पर मैं कर्ल कर रही हूँ, तो मैं स्ट्रेटनर की हेल्प से कर्ल करती हूँ. एक स्ट्रेटनर मेरा भोपाल में ही छोड़ा हुआ है मैंने, ये फिलिप्स का ही है और काफ़ी मिनी एंड क्यूट सा स्ट्रेटनर है, बहुत अच्छे से इससे भी कर्ल हो जाते हैं. तो देखिए काफ़ी सिंपल मेथड से मैं सिर्फ हल्का हल्का नीचे से फोल्ड कर रही हूँ अपने बालों को, तो इसलिए मैं पूरा हीट प्रोटेक्शन स्प्रे लगाती भी नहीं हूँ. तो यहाँ पर हमारे बाल एकदम कर्ल हो चुके हैं. मैंने काफ़ी सारे वीडियोज़ में मेथड बताया कि मैं ये बेसिकली कैसे करती हूँ. बहुत सिंपल होता है, बहुत क्विक होता है और लगने के बाद भी बहुत ज़्यादा सुंदर लगता है, क्योंकि मेरे जो टेक्स्चर है बालों का थोड़ा स्ट्रेट है. और थोड़े टाइम पहले मैंने कुछ अपने बालों में पोशन ट्रीटमेंट भी करवाया था, तो जिसकी वजह से ज़्यादा देर तक ये टिके नहीं, बट फिर भी जितने थे उतने तो मुझे काफ़ी अच्छे लग रहे थे. और आपको पता ही होगा मैंने अपने बालों में ये इस तरीके की जो शाइनी आपको स्ट्रीक्स दिख रहे हैं ये मैंने लगवाए थे, जो कि अभी भी इंटैक्ट है. कुछ निकल गए बट अभी भी 6-7 लगे हुए हैं. यहाँ पर मैं फाउंडेशन लगा रही हूँ. फाउंडेशन के लिए मैंने यहाँ पर यूज़ किया है मामा अर्थ का ग्लो फाउंडेशन. मैं सिर्फ वही फाउंडेशन यहाँ लेके आई हूँ, दूसरे फाउंडेशन लेके ही नहीं आई हूँ, और बस वही मैं अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ. उसके बाद मैं लिप एंड चीक टिंट जो होता है वो मैं अपने चीक्स पर लगा रही हूँ. उतने में एक और मेरे पास पार्सल आ गया, तो मैंने रिसीव करा. मैंने एक बहुत सुंदर सा सूट मंगवाया था जो कि देखने में बहुत सुंदर लग रहा था वेबसाइट पे. जब ये आया तो इट वाज वेरी सिंपल. एक्चुअली मैं यूजुअली जो सूट्स आते हैं ना सब कॉटन के ही मंगवाती हूँ, तो ये बहुत ज़्यादा सिंपल था. मतलब ये डे टू डे पहनने वाले जो सूट होते ना ये वैसा था. फेस्टिव वाला सूट मुझे नहीं लग रहा था. इवन मेरी मम्मी भी वहीं खड़ी थी, वो भी बोल रही थी कि इतना मज़ा नहीं आया. तो मैंने इसको रिटर्न कर दिया है. अगर आप नॉर्मली बहुत सूट पहनते हो और आपको डेली वेयर ऑफिस में पहनने के लिए सूट चाहिए, दैन दिस इज़ द बेस्ट सूट. लेकिन अगर आप कुछ स्पेशल ओकेशन के लिए देख रहे हो तो मुझे जमा नहीं. उसके बाद मैंने चेंज कर लिया है. यहाँ पर मैं अपने ये मेरे पुराने गोल्ड के ईयरिंग हैं जो कि पड़े हुए थे कहीं पे कोने में, पड़े मतलब रखे हुए थे, लेकिन अब आजकल हूप्स का फैशन आ चुका है तो मैंने इनको वापस निकाल लिया है. और ये काफ़ी स्टाइलिश हूप्स हैं, मतलब पहले के टाइप के हूप नहीं है, हैं ये काफ़ी पुराने बट हैं काफ़ी स्टाइलिश, क्योंकि अब फैशन आ गया. तो मैंने सोचा चलो पहन के देखते हैं. तो मैं बहुत कॉन्टम्पलेट करी थी अच्छे लग रहे हैं नहीं लग रहे हैं. इवन मैं जब आप पहुंची भी ना अपने फ्रेंड्स लोगों के पास, मैंने स्पेशली उनसे पूछा कि बताओ तुम लोग कि अच्छे लग रहे हैं कि नहीं लग रहे. आप भी बताइएगा अच्छे लग रहे हैं कि नहीं. मुझे ऐसा लगता है मेरे फेस पे हूप्स अच्छे नहीं लगते हैं. सो यस, ये मैंने चेंज कर लिया है. दिस इज़ द टॉप, काफ़ी प्यारा सा टॉप है. मैं इसका भी लिंक दे दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में. और यही वाली जीन्स मैं लेकर के आई हूँ, दो जीन्स लेके आई थी सिर्फ. मैं बस वही और नीचे शूज पहन करके चली गई थी. ये हम लोग पहुंच गए हैं. I know that you are having a hard time right now. हेलो एवरीवन. सो मुझे काफ़ी देर हो गई थी आए हुए. उसके बाद हम लोग क्योंकि बहुत टाइम बाद मिले हैं तो गप्पों में ही लगे रहे. और अभी यहाँ पर नीचे हमारा फोटो सेशन चल रहा है. सो एक्चुअली मुझे आए हुए भोपाल में काफ़ी टाइम हो गया, 2 महीने हो गए. तब से ये लोग बोल रहे हैं जब पापा का हुआ था कि इनको हॉस्पिटल आना था, बट तब हम लोग मिल नहीं पाए थे क्योंकि मैंने ही मना कर दिया था कि हम आराम से करते हैं, रुक जाओ. तो फाइनली आई एम हियर विद, ये है हमारी रिक्शा, ये है करिश्मा. हाय. अभी बस लास्ट में फोटोज वगैरह ले रहे हैं, फिर उसके बाद घर जाएंगे. वहाँ से फ्री होने के बाद हम लोग निकल गए थे दिसंबर के बेकन शेक में. तो आई एम श्योर अगर आपने टीनेजर टाइम या कॉलेज टाइम अपना भोपाल में स्पेंड किया होगा तो आपको इस जगह के बारे में काफ़ी पता होगा. ये काफ़ी पुराना एंड काफ़ी फेमस कैफ़े रहा है और अभी भी काफ़ी फेमस है.
उसके बाद घर पहुंचने के बाद मैं विक्की के साथ मेहंदी लगवाने के लिए चली गई थी, क्योंकि उसके बाद तीज आने वाली थी और मुझे पता है काफ़ी ज़्यादा रश हो जाता है, तो मैं तीज का फास्ट नहीं रखती हूँ बट स्टिल पूजा करती हूँ। तो ये नेक्स्ट मॉर्निंग है और आज मैं, मेरे फादर इन लॉ और विक्की, हम तीनों जाने वाले हैं गणपति जी की मूर्ति पसंद करने के लिए, मतलब उनको घर लाने के लिए। हम लोग एक दो दिन पहले ही ले आते हैं क्योंकि फिर रश भी बहुत हो जाता है और फिर वो छट भी जाती हैं। तो हम लोग जा रहे हैं गायत्री समाज का जो मंदिर है वहाँ पर, तो ऐसा मेरे फादर इन लॉ और मेरे पापा दोनों का ही मानना है कि भाई वहीं पर प्योर मिट्टी के गणपति जी मिलते हैं। मैं तो बिल्कुल अगेंस्ट होती हूँ कलर वाले गणपति जी लेने के लिए, बट मेरे घर वालों को अभी कैसे कन्वेंस करें, दोनों के घर वालों को कलर वाले गणपति जी ही पसंद आते हैं। बट ये लोग जो कलर यूज़ करते हैं ये प्रॉपर बायोडिग्रेडेबल होते हैं, आप घर में इनको विसर्जन कर सकते हैं, तो हमारे यहाँ घर पे ही विसर्जन होता है। तो वहाँ पर आप गाय को चारा भी दे सकते हो। फिर मैंने ये चारा लिया और गाय को थोड़ा चारा वारा खिलाया, बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे, बहुत पीसफुल लगता है। इफ़ यू आर इन भोपाल आप ज़रूर कभी ना कभी यहाँ पे जाइएगा, बहुत अच्छा लगेगा आपको। एंड उसके बाद मैं एक ये एबेकस लेकर के आई थी, जो ये क्राफ्ट वाफ्ट वाली शॉप होती ना, मुझे वहाँ पर ये दिख गया था, तो मैंने सोचा चलो, पहले मेरा बिल्कुल मन नहीं था गणपति जी का जो पंडाल है वो कुछ करने का, बट मैंने, मेरी मम्मी काफ़ी पुश कर रही थी मुझे कि नहीं नहीं तुम कुछ कर लो ऐसे करके, तुम्हारा मन है तो फिर मैं ये छोटा सा एक लेकर के आई और मेरे दिमाग में थोड़ा बहुत आइडिया आया कि हम इसको एज अ पंडाल की तरह यूज़ कर सकते हैं। तो ये जो अंदर इसमें सब लगा हुआ है ना, ये बच्चों के लिए होता है, तो वो मैंने इसको निकाला और निकालने के बाद एक नेट का मेरे पास क्लोथ पड़ा हुआ था बहुत पुराना ब्लू कलर का, वो मैंने इसको स्टिक किया इसके आसपास। I've been feeling so small, watch the clock ticking off the wall, but tonight I'm letting it go, spend my coin for show, I'm gonna be myself, I could be someone. ये मेरे पास एक बहुत ही पुरानी लेस पड़ी हुई थी, मेरी मम्मी ने मुझे निकाल के दी, तो वो मैंने लगा दी। और एक ये लाइटिंग कलर चेंजिंग वाली मैं लेकर के आई थी, तो ये मैंने एक ऊपर लगा करके रखा है और एक नीचे लगा कर रखी है गणपति जी के पास, झांकी टाइप का बनाने के लिए, इफेक्ट देने के लिए। और बस यहीं पर उनका आसन लगा दिया है और ये उनके गले में डालने के लिए मैं एक गणपति जी के लिए लेकर के आई थी, और साथ ही साथ ये आसन लेकर के आई हूँ ऊपर नीचे दोनों के लिए, तो जिसको जो कलर चाहिए होगा वो ले लेगा। तो ये मैं तीज के लिए रेडी हो चुकी हूँ, आज जिस दिन मैं गणपति जी सजा रही हूँ उस दिन तीज थी, तो मेरी मदर इन लॉ करती हैं बहुत अच्छे से, हमारे प्रॉपर एकदम पंडित जी वगैरह आकर के पूजा होता है। तो दिस टाइम मेरी मम्मी ने भी आई थिंक 30 इयर्स में फर्स्ट टाइम तीज की पूजा अटेंड करी है, वो नहीं करती थी, बहुत अच्छा लगा, मतलब बहुत ही अलग ही वाइब हो जाती है घर में जब ये पूजा होती है। तो और भी लोग आते हैं, आंटी वगैरह आते हैं, नेबर्स जो हैं वो आजू बाजू वाले वो आते हैं, और फिर हम लोग दर्शन करने भी काफ़ी सारे, जो 7 जगह पे फुलेरा थे वहाँ मम्मी को दर्शन वगैरह करवाने लगा। अगर आपने मेरा शॉट नहीं देखा है तो आप तीज वाला शॉट देखिएगा, उसमें मैंने डिटेल में डाला हुआ है। और एंड में ये आरती वगैरह हो रही थी, तो आरती करने के बाद फिर रात भर जगना होता है, तो हमने तो बस लास्ट की जो 11:30 बजे की आरती होती है वो अटेंड करी, मेरी मम्मी ने मॉर्निंग की भी करी थी बट फिर मैं सो गई थी। और ये नेक्स्ट डे गणपति जी होता है, मतलब तीज के नेक्स्ट डे गणपति जी बैठाते हैं, तो ये मैं रेडी हो रही हूँ गणपति जी के लिए। तो यहाँ पर मैंने अगेन मामा अर्थ का जो ग्रीन टी मॉर्निंग क्रीम है वो लगाया है, मेरी साइड में मम्मी बैठी हुई है, तो वही कुछ ना कुछ बोल रही थी कि मैं तो नहीं आ रही ना तुम्हारे व्लॉग में, नहीं नहीं आप नहीं आ रहे हो, कोई नहीं दिख रहा है, मैं यहाँ पर बैठी हुई थी क्योंकि लाइटिंग्स बहुत अच्छी थी, तो बस वही मॉर्निंग क्रीम लगाया, काफ़ी अच्छी है। और ये मामा अर्थ का मैं अगेन ग्लो फाउंडेशन लगा रही हूँ, इट्स अमेजिंग, बहुत अच्छा लगता है फेस पे, दो आई हैव ऑयली स्किन बट स्टिल बहुत अच्छा इफेक्ट देता है ये आपके फेस पे। I'm gonna make mistakes.
तो क्योंकि गणेश चतुर्थी का मौका था तो मैंने डिसाइड किया मैं मस्टर्ड येलो कलर का सूट पहनने वाली हूँ। तो ये मैंने बीबा का सूट मंगवाया था अमेज़न से, बहुत ही प्यारा है। मैंने अपने हॉल वीडियो में आपको साथ शेयर भी किया हुआ है ये, तो बड़ा ही प्यारा है इसका। मुझे कुर्ते का जो कट है ना वो बहुत सही लगता है, उसके कट की वजह से जो नीचे इसका घेरदार बॉटम है उसका लुक बहुत प्यारा आता है। और बस अब सारे वही बैंगल्स वगैरह, नेक चेन वगैरह, वो सब चेंज वेंज करूँगी मैं, थोड़े ट्रेडिशनल वे में रेडी होंगी। और या ये हमारे गणपति जी बैठ गए, विराजमान हो गए हैं, तो मैं प्रे करती हूँ कि आप सबकी लाइफ में बहुत सारी खुशियाँ आएँ गणपति जी, बहुत सारी हैप्पीनेस, प्रॉस्पेरिटी, सक्सेस आप लोगों की लाइफ में लेकर के आएँ, अच्छी हेल्थ आपको दें, बस यही है। और ये हमारे गणपति जी हैं, तो मैं प्रे करती हूँ कि मेरे पापा बहुत जल्दी से ठीक हो जाएँ और जल्दी जल्दी चलने लग जाएँ। हैप्पी गणेश चतुर्थी वंस अगेन। आई नो व्लॉग काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया है, बट नेवर माइंड। सो यही था मेरा आज का वीडियो, आई होप आपको पसंद आया होगा। मैं मिलती हूँ आपको मेरे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।